सुप्रीम कोर्ट का नाहली के मुद्दत से मुतालिक तमाम केसेस एक साथ सुनने का फैसला। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिसेस जारी कर दिए गए हैं। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। सुहेल, बताइएगा तहरीरी हुक्म में क्या कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तो इस केस को जनवरी के आगाज पर ही मुकर्रर करने की हिदायत स्टार ऑफिस को जारी कर दी है, और साथ इस पर लार्जर बेंच देने के लिए मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कायम कमेटी के सामने भी रख दिया है, और ये भी तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया गया है कि इस सिलसिले में जितने भी केसेज हैं जिनमें ये आईनी सवाल शामिल है कि न्यायालय की मुदत कितनी होगी, वो सारे एक साथ ही मुकर्रर किए जाएं, और इसके लिए जो है वो बजरिया इश्तहार भी अखबारात में तैयार करके तो आगाह करने का हुक्म दिया गया है। तहरीरी हुक्मनामे में साथ ये कहा गया है कि दरखास्तदार को तायाद न्यायालय के साथ 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ अपील मुल्तान बेंच में पेंडिंग है, लेकिन जहां तक इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 को चैलेंज करने के वाले से पूछा गया तो बताया गया कि उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, लाइलमी का इजहार किया गया, यानी कि वो अब हतमी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, लिहाजा इस आईनी नुकते पर तस्दीक के लिए इसको लाजर बेंच के सामने रखा जाएगा और जनवरी के आगाज पर ही इन सारे केसेस को एक साथ दोबारा से सुना जाएगा। जनवरी के आगाज पर ही इन सारे केसेस को एक साथ दोबारा सुना जाएगा। आपका शुक्रिया सुहेल, तफसीलात बताने के लिए।